जो ना है जो तो सब बताइए रहे। अंजलि कहते हैं अंगूठा हाथ का ऐसे करो ये एक बूंद पानी बनेगा, ऐसे करो अंगूठा एक बूंद पानी बनेगा जो गड्ढा होता है यहाँ पे हो रहा भूल तो न जाओगा। इसे अंजलि कहते हैं, पांच अंजलि यमुना जल पिया है और पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर समाधि जिस समय लगाई है पाय को खींचना प्रारंभ किया है ध्रुव ने। ध्रुव ने खींची जब प्राण पायु खड़े हो गए आवाज लगाई ध्रुव नहीं बोले ध्रुव
नहीं बोले भगवान ने जहाँ भजन कर रहे थे वो कनेक्शन ही खत्म कर दिया। आंखें जब खुली तो ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान ने गोद में उठा और ध्रुव से कहा, मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? और जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। तो ध्रुव ने एक ही बात कही, प्रभु ध्रुव ने जवाब दिया कि मेरी तो सारी इच्छा पर दर्शन पाते और जो इतनी बात कही उसके बाद
इंद्र का ऐरापत हाथी मंगाया, ध्रुव को वापस किया। भगवान इंद्र के ऐरापत हाथी पर नहीं बैठे तो ध्रुव थोड़ी देर तक बैठे, उतर गए। जवाब दिया जग भगवान, जब नीचे पैदल चल रहे हैं, पिता पैदल और पुत्र सवारी करे ऐसा हो नहीं सकता। आज ध्रुव भी पैदल चलने लगे और सबसे पहले अपने मौसी के पास गए। और मौसी के पास गए तो जाते ही जाते एक ही जवाब मौसी ने आते हुए देखा तो किवाड़े लगा लिए। बोले आए, हमने तो मरबे के लिए भेजो, तो जिंदा बचिया कैसे, अब इसे मुंह दिखाएंगे, ये तो भगवान का भजन कराया, अब हम करें तो करें का। तो उसी समय किवाड़े लगाए तो ध्रुव ने एक बात कही, मौसी दरवाजे नहीं खोले तो मैं यहां से जिंदा नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने ही ये रास्ता बताया था। मैं भगवान का भजन करके आया, मां की बाड़ों को खोलो। दरवाजे खोलो नहीं, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। शर्म के कारण सुरुचि ने बड़े प्रेम से खोले, छाती से लगा लिया है। और छाती से जैसे ही लगाया, आज महाराज उत्तान पाद और सुरुचि ध्रुव को लेकर के जहाँ मैया सुनीति रहती थी वहां पहुंच गए।